अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो कम से कम पैसों के बीच में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग एक्चुअली में होती कैसे है और ट्रेडिंग के बीच में हमें कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपको फेक एप्लीकेशन तो बहुत मिलती होगी, लेकिन जो रियल एप्लीकेशन है वो भी आपको बताऊंगा और ट्रेडिंग एक्चुअली के बीच में क्या होती है और ट्रेडिंग का मतलब क्या है तो इसके बारे में भी आपको पूरा पता चलेगा। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये 5 तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको अगर ये 5 तरीकों के आप मास्टर बन गए तो ऑब्वियसली बात है कि आप 20 रुपये लगाकर भी ट्रेडिंग से हजारों रुपीज़ क्या आप लाखों रुपीज़ भी कमा सकते हो, वो भी एक दिन के बीच में। एक दिन के बीच में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके करोड़पति बन चुके हैं और आप क्यों अभी तक गाइस पीछे रह रहे हो, तो आप आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। देखो दोस्तों, यार ट्रेडिंग एक्चुअली के बीच में आज के टाइम के बीच में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम गाइस कोई सोना खरीदते हैं या फिर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका अभी प्राइस जिस प्राइस के बीच में हमने वो चीज़ खरीदी है तो आने वाले 2 या 3 साल बाद या फिर 1-2 दिन के बीच में हमें उस चीज़ का दोस्तों अगर प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उस चीज़ का अगर दाम बढ़ रहा है तो मतलब हम प्रॉफिट के बीच में है। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है या फिर उसका भाई वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि हम लॉस के बीच में है, तो इसी चीज़ को गाइस ट्रेडिंग कहते हैं। और आजकल कुछ मिनट के बीच में, कुछ घंटे के बीच में हम 20 रुपये या 25 रुपये या फिर 100 रुपये लगा कर भी गाइस हम लाखों रुपये अभी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। मतलब जो ट्रेडिंग के बीच में जो प्लान्स होते हैं, इसके जो कायदे एंड जो नियम और इसके जो रूल्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक्चुअली में होती कैसे है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आप लाइंस देख रहे हो ना, आपने लाइंस देखकर पहले आपको पता चल गया होगा कि लाइंस अप एंड डाउन का इसमें सिस्टम होता है, इस टाइप का थोड़ा बहुत आपको पता होगा। लेकिन इसके बीच में अप एंड डाउन के बीच में जब भी आप कोई पैसा लगाओगे, पैसा लगाने से पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप ऐसे जल्दबाजी के बीच में लगा दोगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप पहली बार जीत भी जाते हो तो फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो पैसे डूब जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और परफेक्ट हो जाइए, तो फिर ही आप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा, बाद में लॉस भी हो सकता है, मतलब दोनों चांसेस होते हैं। जैसे लॉस में चल रहे हैं तो फिर बाद में लॉस होता रहता है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी होता रहता है। तो अभी लॉस में चल रहे हैं तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, तो हम एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं तो पैसे वगैरह हमारे डूब जाते हैं। पहले हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ट्रेडिंग करने से पहले हमें एक अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे डेमो अकाउंट के विषय में प्रैक्टिस जरूर कीजिए, फिर आप ट्रेडिंग के विषय में पैसे इन्वेस्ट करिए। स्टेप नंबर 2, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस। मतलब ट्रेडिंग को गाइस आप एज ए बिजनेस स्टार्ट करके मत चलिए, क्योंकि ये दोस्तों आपका पूरी लाइफ टाइम का गाइस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसके विषय में बहुत सारे लोग गाइस घाटा खा चुके हैं। कई लोगों को तो करोड़ों का भाई घाटा हो चुका है। पहले गाइस ये फायदा था, लेकिन अभी नुकसान भी बहुत सारे लोगों का हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को गाइस अगर अभी आप कोई जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपका खुद का अगर कोई छोटा मोटा काम है, तो काम के बीच में जो पैसे कमाते हो इसके बीच में सारे पैसे इन्वेस्ट मत करो। अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़े बहुत, मतलब 1,000 रुपये इसके बीच में, 200 या 300 रुपये गाइस इसके बीच में डाल लो, तो आप पहले सीखो तो फिर आप इसके बीच में पैसे इन्वेस्ट करो। मतलब अगर आप ऐसे ही पैसे लगाते रहोगे आप बहुत ज़्यादा घाटे में पड़ जाओगे। इसको आप हॉबी मत बनाओ, अगर आप इसको पूरी लाइफ टाइम के लिए गाइस एक जॉब कर चलते हो तो फिर आप लाइफ के बीच में बहुत ज्यादा घाटा आपका हो सकता है। तो प्लीज आप गाइज थोड़ा संभल कर इसको यूज कीजिए, इसीलिए आपको एज ए बिजनेस मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। स्टेप नंबर 2, प्रोजेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। ट्रेडिंग के बीच में जब भी हम गाइस कोई प्रोजेक्ट बनाकर चलते हैं, मतलब किसी कंपनी का अगर हम शेयर गाइस परचेज करते हैं, एक शेयर लगा के चलो कि हमें मिल रहा है 1,000 रुपीज़ का, तो 1,000 रुपीज़ का एक शेयर हमने परचेज कर लिया, तो फिर हम 20,000 के 20 शेयर्स हमने परचेज कर लिए। अगर 20 शेयर के बीच में अगर कोई 200 कंपनी का शेयर हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे गया, सबसे पहले आपके खुद के पैसे निकलने चाहिए। मतलब अगर आप दोस्तों विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका लॉस गाइस हो जाएगा, एक आधा गाइस तुक्का वगैरह लग जाएगा। अगर आपके पास पैसे आ गए, मतलब आपको कोई नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आपको गाइस घाटा फिर पड़ सकता है, ज़्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी को पैसे दिए हैं तो फिर बाद में वो हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमने गाइस वो पैसे भी खो दिए हैं। पहले अपने पैसे जो लगाए हुए हैं वो पैसे पहले निकालो, फिर आप नेक्स्ट इन्वेस्ट करो। के बीच
तो गाइस अभी जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग के बीच में अपने यूएसडी मतलब डॉलर के बीच में परसेंटेज वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें गाइस आपने पहले चेक करनी है। मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होगी, मतलब 80% या 70%, जिस शेयर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जा रही है तो उसी के ऊपर आपने मतलब ज़्यादातर पैसे लगाने हैं, तो फिर वही आपको गाइस प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो आपने गाइस क्या करना है, मतलब परसेंटेज का ऊपर ही आपको गाइस ऑप्शन शो कर रहा होगा, वहीं पर आपने चेक कर लेना है। जब आप चेक करके फिर इन्वेस्ट करोगे पैसे तो फिर आपका 100% प्रॉफिट होना कंफर्म है। तो गाइस आज की वीडियो में जो बताया गया गाइस दो चार टिप्स हैं, इस टिप्स को गाइस अगर आप अपनाते हो ना, आप अगर पूरी प्रैक्टिस करके 100% गाइस आप पैसे कमा कर अच्छे खासे रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। मतलब थोड़ा दिमाग से चलोगे तो फिर ही आप कामयाब हो पाओगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आपने ट्रेडिंग के बारे में कुछ जाना है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, और आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मैं आपसे अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।